चलिए जानते हैं देश और दुनिया की काम की और सिलेक्टेड खबरें, अतः वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे पर 100 करोड़ का मानहानि केस, बजरंग दल पर गलत बयान देने पर संगरूर कोर्ट ने भेजा समन। सीज फायर का फायदा उठाकर आतंकियों को इकट्ठा कर रही पाक सेना, ट्रेनिंग देकर घुसपैठ कराने की कोशिश जारी। सरकार ने डॉक्टरों के लिए यूनिक आईडी अनिवार्य की, हर 5 साल पर लाइसेंस कराना होगा रिन्यू। शक्तिशाली चक्रवात मोचा ने म्यांमार में मचाई तबाही, 3 लोगों की मौत व करीब 700 लोग हुए घायल। आर्यन खान केस में बुरे फंसे समीर वानखेड़े, सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, कहा देशभक्त होने का इनाम। कर्नाटक फार्मूले पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, 5 गारंटी के वादे के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी। अधीक अशरफ हत्या मामले में 21 पुलिस कर्मियों को नोटिस, 15 दिन में लिखित बयान दर्ज कराने का निर्देश। 2024 चुनाव से पहले भाजपा के अंत की शुरुआत, कर्नाटक चुनाव परिणाम पर ममता बनर्जी का पहला बयान। आधार कार्ड में 14 जून तक ही फ्री में करा सकेंगे करेक्शन, घर बैठे फटाफट करें अपडेट। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को याद दिलाई कर्नाटक की टीस, बोले उन्हें घोड़े से उतारना है जरूरी। राजस्थान में आधी तूफान का कहर, गिरने लगे मकान और पेड़, 2 लोगों की मौत, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाएं। यूपी की गाजियाबाद में धर्मांतरण का खेल, ब्यूटी पार्लर में करा रहे थे धर्म परिवर्तन, पादरी समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। द केरल स्टोरी को यूके में लगा तगड़ा नुकसान, स्क्रीनिंग कैंसिल कर दर्शकों को भेजा टिकट रिफंड। बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री चार धाम यात्रा पर मौसम की मार, रोका गया रजिस्ट्रेशन, यात्रियों ने की अपील। सीएम एन बीरेन बोले मणिपुर की अखंडता की रक्षा की जाएगी, उग्रवादियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। छत्रपति संभाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा मुंबई समुद्री राजमार्ग, मुख्यमंत्री शिंदे की घोषणा। यूपी निकाय चुनाव में अखिलेश यादव प्रशासन पर जमकर बरसे, बोले सपा कार्यकर्ता चुनाव में धांधली करने वाले अफसरों के नाम नोट कर लें, सभी को समय पर जवाब दिया जाएगा। तेजी से बढ़ रही गोबर की कीमत, सरकार के फार्मूले से आम लोगों के साथ किसानों को मिलेगा फायदा।